अस्सलाम वालेकुम नरिंस किचन में आज मैं शेयर करने वाली हूँ चिकन नगेट्स की रेसिपी, जिसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक ग्राइंडिंग जार ले ली हूँ। इसमें मैं बोनलेस चिकन 250 ग्राम डाल रही हूँ, कैरोट एक मीडियम साइज का, कैप्सिकम एक मीडियम साइज का, प्याज एक कटा हुआ इस तरह से मैं काट ली हूँ, ग्रीन चिल्ली 4 से 5, लहसुन 6-7 कली और अदरक 1 से 1.5 इंच, कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ। फ्लेवर के लिए जीरा गोटा 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/4 टीस्पून, 2 से 3 छोटी इलायची, दालचीनी के टुकड़े 3 से 4, 2 ब्रेड का स्लाइस लेके इसे छोटे छोटे टुकड़े करके इसे भी डाल दे रही हूँ। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। देखिए बिल्कुल अच्छे से पिस गया है, इसे एक बाउल में मैं ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। अब इसमें मैं कुछ ड्राई मसाले ऐड करूँगी, हल्दी 1/4 टीस्पून, मिर्चा पाउडर 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेमन जूस 1 टीस्पून, धनिया पत्ता थोड़ा सा कटा हुआ। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह से मैं हाथों से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहे तो स्पैचुला की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। अब इसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्ब डाल रही हूँ बाइंडिंग के लिए, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, अब इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह ढक के रख देंगे। अब मीट का थोड़ा सा हिस्सा हाथों में लेके इस तरह से गोल बॉल के जैसे बना लेना है। अब जब अच्छी तरीके से ये राउंड शेप हो जाए तो इसमें एक आइसक्रीम स्टिक लेके इस तरह से इसके पीछे से इस तरह इसको डाल के थोड़ा फ्लैट कर लेना है। इस तरह से दबा के थोड़ा सा प्रेस करके थोड़ा लॉलीपॉप का शेप दे देना है। देखिए मैंने यहाँ सारे मीट बॉल को इसी तरह से आइसक्रीम स्टिक के साथ लॉलीपॉप का शेप दे दी हूँ। अब एक बाउल ली हूँ, इसमें 2 अंडे तोड़ के डाल रही हूँ और साथ ही साथ इसमें 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च के पाउडर भी डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, मिक्स करते हुए इसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर का भी डाल रही हूँ और सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। कॉर्नफ्लोर डालते ही ये थोड़ा सा गाढ़े जैसे लगने लगती है, इसे ये गाढ़े ना रहे, बिल्कुल अच्छे से इसे फेंट लेंगे। अब इसे हम साइड में रख देंगे और एक प्लेट में हम यहाँ पर थोड़े से ब्रेड क्रम्ब भी लेके रख लिए हैं। अब हम एक एक चिकन स्टिक को इसी सिलरी में डिप करेंगे और इस तरह से अच्छे से डिप कर लेंगे और इसे ब्रेड क्रम्ब में इस तरह कोट करेंगे। कोटिंग बिल्कुल अच्छे से दबा दबा के करना है। देखिए मैंने सारे चिकन स्टिक में कोटिंग कर लिए हैं, हमारा बन के रेडी हो गया है। दूसरी तरफ कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दी थी, ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अच्छे से गरम हो चुका है। अब इसमें हम एक एक चिकन नगेट स्टिक को डिप करते रहेंगे, जितना हमारा कढ़ाई में आटे उतना डाल देना है और अच्छे से इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में फ्राई कर लेना है। एक साइड फ्राई हो चुका है, अब हम इसे टर्न कर दे रहे हैं, दोनों साइड हमारा बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो गया है। देखिए कितना अच्छा से फ्राई हो गया, इसे हम निकाल ले रहे हैं। तो आपने देखा कितना फटाफट से हमारा चिकन नगेट स्टिक बन के रेडी हो गया है। सारे के सारे चिकन नगेट स्टिक बन के हमारे रेडी हो गए हैं, इसे मैं आपको थोड़ा तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ये अंदर से कितना सॉफ्ट और जूसी है और बाहर से कितना क्रंची है। इसके ऊपर हम थोड़ा मेयोनीज़ के साथ इस तरह से डेकोरेट कर दे रहे हैं। मेयोनीज़ के साथ जब ये चिकन नगेट स्टिक आप खाएंगे तो ये क्रीमी और क्रंची जूसी तीनों फ्लेवर आपको आएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से एक बार बनाइएगा और हमें लाइक, हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।